हेलो एवरीवन, तो आज इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कौन कौन से तरह की केमिकल रिएक्शन होती हैं, उनके क्या क्या पार्ट होते हैं, उनमें क्या क्या परफॉर्मेंसेज होती हैं। ठीक है, सबसे पहली है एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी इसको हम एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। सेकेंड है हमारी रिप्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दो पार्ट आएंगे, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके दो पार्ट होंगे, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। हम इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेकेंड है हमारा रिप्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड है डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसका रीजन मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी कि क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है हमारी स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। स्लो एंड फास्ट रिएक्शन से इतना तो समझ में आ गया कि कुछ रिएक्शन स्लो है और कुछ फास्ट रिएक्शन है। इनमें भी कुछ एग्जाम्पल है, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है हमारी लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल मतलब जो वापस दूसरी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस चेंज हो सकते हैं, और इररिवर्सिबल इसका अपोजिट, यानी कि उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट ही बनेंगे, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट नहीं बन सकते। तो ये इस तरह से हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है एडिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये कैसी रिएक्शंस होती हैं? दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये उस तरह की रिएक्शन होती हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंसेस होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, कंबाइन हो रहे हैं ये, इसलिए इसका नाम है कॉम्बिनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन। इस चीज को ध्यान रखना, जब दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होकर सिर्फ एक बने, टू और मोर कंबाइन होके, यहाँ कितने भी हो, यहाँ पांच छह कितने भी हो, पर ये कंबाइन होके यानी कि कॉम्बिनेशन या फिर एडिशन होके इनका सिर्फ कितना बन रहा है, कंपाउंड, एक कंपाउंड बन रहा है, तो हम इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन या फिर एडिशन। यहाँ देखो दो सब्सटेंसेस का एडिशन हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। MgO क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और Mg क्या है अपना मैग्नीशियम, O2 क्या है ऑक्सीजन। यहाँ पे हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी किया है, अब देखो कैसे बैलेंस किया है, मैं आपको समझाऊंगी। देखो यहाँ पे हमने 2Mg लिखा है, 2Mg लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे O2, Mg तो सिर्फ हम Mg करके लिखेंगे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2 नहीं था हमारे पास, 2 नहीं था, उसके बाद Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब MgO बनता है, यहाँ पे भी 2 नहीं था, फॉर एग्जाम्पल 2 नहीं था, यहाँ पे इधर 2 नहीं था, इधर 2 नहीं था, तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे O क्या है, O हमेशा 2 ही रहेगा, यानी कि O हमेशा सिंगल नहीं रहता है, हमेशा O डबल रहता है, दो बनाते हैं। ठीक है, यानी ऐसा क्यों होता है, O जो होता है हमारा ऑक्सीजन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए वो क्या करता है, एक और O से वो एक बॉन्ड बना लेता है, उसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे कुछ चैप्टर्स में। ठीक है, इसके साथ ये एक बॉन्ड बना लेता है, उसके साथ शेयरिंग कर लेता है। ठीक है, बहुत रिएक्टिव होता है ना ये, रिएक्ट कर लेता है आपस में ही, तो इसलिए ये O2 बन जाता है। अब यहाँ पे हमें O2 बनाना है, पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, अब पर यहाँ पे अगर हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो यहाँ पे भी हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर तो 2 था ही नहीं पहले, मैंने आपको सपोज करवाया ना यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फिर 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। अब यहाँ पे देख सकते हो आप S सॉलिड स्टेट, G गैसियस स्टेट और S सॉलिड स्टेट, इस तरह से हम ब्रैकेट में इनकी स्टेट लिखते हैं, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था इसके बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, दो है, दो कंपाउंड है, कंबाइन होके 1 बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं, कौन सी रिएक्शन हो रही है, एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके वाटर बना रहे हैं, दो कंपाउंड कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाएंगे, तो वो कैसी रिएक्शन होगी, एडिशन या कॉम्बिनेशन, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे हम आते हैं अब अपनी रिप्लेसमेंट रिएक्शन।
those reaction in which an element takes the place of another element. अब replacement मतलब एक की जगह दूसरा, ठीक है, replacement मतलब एक की जगह पे कोई और चीज, कोई दूसरी चीज. तो ये वो रिएक्शन होती है जिसमें एलिमेंट किसी और एलिमेंट की, एक एलिमेंट, एन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट दूसरी एलिमेंट की जगह ले लेता है. उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, एक कंपाउंड में जब एक एलिमेंट, ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है, दो तीन एलिमेंट है मान लो, कोई कंपाउंड है, तो ये वाले, इस वाले एलिमेंट ने इस वाले एलिमेंट की जगह ले ली, तो इसको क्या कहते हैं हम, रिप्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, ये दो तरह की होती है, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है. तो ठीक है, अब हम डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं. रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है. क्यों? क्योंकि जो दूसरा एलिमेंट होता है वो उससे कम रिएक्टिव होता है. हमने 8th क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी. रिएक्टिविटी सीरीज जैसे कि कौन सा एलिमेंट किससे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को अपनी जगह से हटा के खुद उसकी जगह पे आ जाता है. ठीक है, यही होता है रिप्लेसमेंट रिएक्शन में. अब पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो टाइप्स ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शन, पहली है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह पे चला जाता है. डिस्प्लेसमेंट में ध्यान देना, एक ही एलिमेंट जाएगा. जब कोई एक एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले की जगह ले लेता है, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डबल है ये, इसलिए इसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें क्या होता है, दो कंपाउंड एक्सचेंज हो जाते हैं. ठीक है, इसमें एक कंपाउंड जो हाईली रिएक्टिव होता है वो किसी और की जगह पर आ जाता है. डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड किसी और की जगह पर आ जाते हैं जो कि कम रिएक्टिव है इनसे. ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड आ जाते हैं किसी और की जगह पर और डिस्प्लेसमेंट में एक कंपाउंड. अब इन दोनों के एग्जाम्पल देखो, CuSO4 plus Zn gives ZnSO4 plus Cu. अब देखो यहाँ पे CuSO4 था, अब ये CuSO4 से ZnSO4 हो गया. क्यों? क्योंकि जिंक जो है, Zn क्या होता है, जिंक जो है वो कॉपर की जगह ले लेगा. क्यों ले लेगा, क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक, तो ये इसकी जगह ले लेगा. फिर Cu हट जाएगा, Cu हट के अलग हो जाएगा और जिंक कंबाइन हो जाएगा SO4 से, तो ये ZnSO4 plus Cu बन जाएगा. ठीक है, क्योंकि जिंक हाईली रिएक्टिव था. इसमें क्या हुआ, वन एलिमेंट ने ली, सिर्फ जिंक ने कॉपर की जगह ली, एक ही एलिमेंट ने ली. डबल डिस्प्लेसमेंट में दो हमारे जो एलिमेंट होंगे वो जगह एक्सचेंज करेंगे. अब देखो Ag क्या हुआ, AgNO3 है, AgNO3 क्या बन गया, AgCl, NaCl की जगह AgCl हो गया और AgNO3 क्या हो गया, NaNO3. यानी कि दो चीजों ने अपनी जगह चेंज करी है. ठीक है, ये क्लोरीन के साथ आ गया और ये NO3 यानी कि नाइट्रेट के साथ आ गया, तो ये हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो ये हमारा क्या था, टाइप्स ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शन. रिप्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह की हमने पढ़ ली, एक डबल डिस्प्लेसमेंट और एक डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड वाली पे. थर्ड हमारी कौन सी टाइप की रिएक्शन है, डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसको डिसोसिएशन भी कह सकते हैं और डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं. डिकम्पोजिशन क्यों कहते हैं, जब क्योंकि एक कंपाउंड जब डिकम्पोज या डिवाइड होके दो कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर कंपाउंड में जब अपने आप को डिवाइड कर लेता है तो उसको क्या कहते हैं हम, डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन. डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन दोनों का ही ये मतलब है कि डिवाइड हो जाना, यानी कि अलग हो जाना कुछ पार्ट्स में. ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल देखो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जब डिवाइड हो जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में जब टूट जाती है तो ये क्या हुआ, एक कंपाउंड था यहाँ, एक कितने में डिवाइड हो गया, टू, तो ये क्या हुआ, डिसोसिएट हो गया. डिसोसिएट यानी टूट गया या फिर डिकम्पोज हो गया. डिसोसिएट और डिकम्पोज दोनों एक, मतलब दोनों का मतलब एक ही है.
अब डेफिनेशन पढ़ेंगे, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड स्प्लिट्स अप इंटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन जिनमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड डिसोसिएट हो जाते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं दो या दो से ज्यादा में, मतलब एक कंपाउंड जब दो या दो से ज्यादा में डिवाइड हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम, डिसोसिएशन या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, देखो स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। स्लो एंड फास्ट रिएक्शन मतलब से समझ में आ रहा है कि एक रिएक्शन तो स्लो होगी एक फास्ट होगी, तो सबसे पहले देखो फास्ट वाली। फास्ट रिएक्शन में क्या है, ये बहुत ही दीज रिएक्शन अकर वेरी फास्टली, यानी कि इस टाइप की जो रिएक्शन होती है ये बहुत ही फास्ट होती है। और स्लो रिएक्शन में देखो दीज रिएक्शन आर वेरी स्लो, ये वाली जो रिएक्शन होती है ये बहुत ही स्लो होती है, इनमें डिफरेंस देख रहे हो, फास्ट रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है, स्लो रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है, कॉमन सेंस है ये। नेक्स्ट है हमारा इट अकर्स ओनली बाय मिक्सिंग द रिएक्टेंट्स। फास्ट रिएक्शन में हमारा सेकेंड पॉइंट है इस इट अकर्स ओनली बाय मिक्सिंग द रिएक्टेंट, यानी कि ये इतनी फास्ट होती है कि हम जब रिएक्टेंट्स को एक टेस्ट ट्यूब में मिक्स भी करेंगे ना तो ये तुरंत ही रिजल्ट दिखाएगा। और स्लो रिएक्शन इतनी ज्यादा स्लो होती है कि ये बहुत टाइम लगाती है, घंटे भी लगा सकती है, दिन और मंथ और इवन ईयर्स, मतलब कि इनको होने में बहुत टाइम लग सकता है, बहुत सालों भी लग सकते हैं इन स्लो रिएक्शन को होने में, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं हम, NaOH प्लस HCl gives NaCl plus H2O, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हमने HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने जब NaOH को, NaOH क्या है हमारा बेस है, ये तो बेस है, और HCl क्या है हमारा एसिड, बेस और एसिड को जब हम मिक्स करते हैं, इस चीज को ध्यान देना, हम आगे पढ़ेंगे इसको, ध्यान से सुनना इसको, जब एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, तो वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। देखो NaCl क्या होता है, जो अपना नमक होता है, कॉमन सॉल्ट, NaCl कॉमन सॉल्ट जो होता है हम जो खाने में ऐड करते हैं वो होता है NaCl, ठीक है। नमक हो गया वो सॉल्ट हो गया, और H2O क्या होता है, वाटर होता है, H2O क्या होता है, वाटर। NaOH क्या है हमारा बेस, HCl एसिड, NaCl सॉल्ट और H2O वाटर, यानी कि व्हेन एसिड एंड बेस कंबाइन दे फॉर्म सॉल्ट एंड वॉटर, ठीक है। ये फास्ट रिएक्शन होगी, बहुत ही फास्ट इसका रिजल्ट दिखेगा, ठीक है, विद इन सेकेंड्स दिखेगा इसका रिजल्ट, ये समझ में आ गया। अब स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल देखो, स्लो रिएक्शन में मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगी, रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, जब लोहे में जंग लगता है, अब वो एक दिन में तो लग नहीं जाएगा लोहे में जंग, उसमें टाइम लगता है, मंथ्स लगते हैं, ईयर्स लगते हैं उसको होने में रस्ट, तो ये जो रिएक्शन लिखी है ना ये रस्टिंग की लिखी है। इसमें Fe क्या है, आयरन, लोहा, ठीक है, Fe क्या है, आयरन, O2 क्या है हमारी ऑक्सीजन यानी कि एयर, और H2O क्या है, वाटर। अब रस्टिंग कैसे होती है, जैसे कि मॉइस्चर से होती है, मॉइस्चर क्या होता है, जिसमें पानी और एयर दोनों होती है, जैसे बारिश के बाद ह्यूमिडिटी हो जाती है बहुत, तो हवा में क्या होते हैं हमारे वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, तो जब वो वाटर के पार्टिकल जब Fe के साथ मिलेंगे यानी कि आयरन के साथ मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, FeO3, यानी कि इसको रस्ट कहते हैं, फेरस ऑक्साइड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, रस्ट, इनटू, ये डॉट का साइन है मतलब इनटू है, ये मतलब कि ये दोनों एक ही चीज है, ये एक ही कंपाउंड है, ठीक है, प्लस वाटर, यानी कि इसमें कुछ वाटर का भी कॉन्टेंट होगा, तो ये रस्टिंग की हमारी, रस्टिंग यानी कि जंग लगने की हमारी ये रिएक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट आते हैं हम, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल रिएक्शंस। तो इन रिएक्शन में क्या होता है, एक तो जो रिवर्स हो सकती है यानी कि वापस हो सकती है, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी बन सकते हैं, और एक होती है इररिवर्सिबल, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट नहीं बन सकता। तो क्या बोलेंगे इसको, रिएक्शंस विच अकर ऑन बोथ साइड आर नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। मैंने यही बताया था हमें अभी तुम्हें कि देखो जो रिवर्स हो सकती है, जो वापस हो सकती है चेंज, वो क्या होंगे हमारे, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन बना हुआ है, इससे क्या इसका क्या साइन का क्या मतलब होता है, जब देखो यहाँ पे पहले ए प्लस बी हुआ, उसने फॉर्म किया सी प्लस डी, फिर वापस से सी प्लस डी ए प्लस बी बन गया, इस रिएक्शन का ये मतलब है, ये दो मतलब है इस रिएक्शन की, पहले की ए प्लस बी सी प्लस डी में बना, फिर सी प्लस डी वापस ए प्लस बी में बन गया। ये ए प्लस बी और सी प्लस डी क्या है, ये दो कंपाउंड्स है दोनों साइड पे, ठीक है, यानी कि रिवर्सिबल वापस हो सकती है और इररिवर्सिबल जो नहीं हो सकती। अब अगर देखो दोज रिएक्शन विच फ्लो इन वन डायरेक्शन
एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्टेंट्स आर नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शंस. फॉर एग्जाम्पल C+O2 गिव CO2. अब इसका क्या मतलब है, जो रिएक्शंस यूनिडायरेक्शनल होती है यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है उनकी, इसका क्या मतलब कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनेंगे पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बन सकते, अनलाइक रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन सकते हैं, पर इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता. आप देखो एग्जाम्पल, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होगी. ठीक है, ये वापस कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होगी, ये क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन. तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. ठीक है, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग.